हेलो फ्रेशर्स, तो काफी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद पोको ने फाइनली अपना फोन लॉन्च कर दिया है, पोको F2। यानी कि F2 यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ है, F1 के बाद में इन्होंने डायरेक्ट X2 लॉन्च किया है। अभी पता नहीं क्यों किया, हालांकि ये किया है, आप सबको पता है कि रियलमी से इनकी काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी। रियलमी का X2 आया और इधर पोको का X2 आया, तो ये चीज यहाँ पर है, हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो फोन है वो उससे आज थी लोगों को, उसके एक्साइटमेंट थे लोगों की कि पोको का नया फोन आने वाला है। लेकिन जो यहाँ इन्होंने फोन दिया है वो बिल्कुल कॉपी है रेडमी K30 का। जी हाँ, जो शाओमी K30 है जो चाइना में इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है, उसका बिल्कुल कॉपी छाप कर उसको दूसरे बॉक्स में बंद कर K30 को यहाँ पर नाम दिया है पोको X2 का। स्पेसिफिकेशन सेम है, चाइना में NFC से मिलता है, NFC इनबिल्ट होती है उस फोन में, और यहाँ पर NFC नहीं है, इतना सही फर्क है। यहाँ पर कलर सेम है, डिजाइन सेम है, स्पेसिफिकेशन सारी की सारी सेम है, यानी K30 बराबर पोको F2 ये आप कह सकते हैं। सो आज इस फोन के बारे में हम बात करेंगे कि आपको ये फोन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो किस कारण से आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए, ये चीजों के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के इस फोन के प्रोज और कॉन्स के बारे में हम बात करेंगे, और यहाँ पर डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में ओपिनियन दूंगा कि अगर आपकी जगह मैं होता तो इस फोन को लेता या नहीं। तो शुरू करते हैं, मेरा नाम कुलदीप और आप देख रहे हैं टेक फ्रेशर्स, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के एडवांटेजेस की, जिसकी वजह से आपको ये फोन खरीदना चाहिए या लेना चाहिए। सबसे पहली चीज इसकी निकल के आती है वो है इसकी प्राइस। ये फोन काफी ज्यादा प्राइस वर्थ है। इसके तीन वेरिएंट्स निकल के आते हैं, दो रैम वेरिएंट 6 GB वाले और एक रैम वेरिएंट 8 GB वाला। उसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो 64, 128 और 256 GB की स्टोरेज यहाँ पर रखी गई है। तो उन सब के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बात करें तो इस फोन की जो कीमत है वो सही चालू हुई है, 15,999 रुपए से यहाँ पर शुरू हो जाती है कीमत। सेकेंड मॉडल आपको देखने को मिलता है 16,999, यानी 16,999 रुपए का, और जो लास्ट हाईएस्ट मॉडल है वो आपको मिलता है 19,999 रुपीज का। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी इसकी प्राइस वर्थी काफी है। अगर आपके बजट ये है तो आप इस फोन को ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में। अब बात करते हैं सेकंड चीज की, तो सेकंड चीज यहाँ पर निकल के आती है इसके डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रिफ्रेश रेट दी है 120 Hz की, 120 Hz की, जो कि काफी कम फोन्स में देखने को मिलती है, अभी एक दो ही फोन्स में देखने को मिली है। इसे एप्पल आईफोन मैक्स जो 11 प्रो मैक्स है वो भी यूज नहीं करता, वो भी 60 Hz का डिस्प्ले का यूज होता है उसमें भी, लेकिन यहाँ पर ये यूज होती है एप्पल आईपैड प्रो में। उसके बाद ये अभी लॉन्च हुई थी, रिलीज हुई थी और यूज हुई थी एसुस ROG फोन 2 में, जो काफी हिट गया था। तो ये चीज यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि आपको स्मूथनेस डिस्प्ले में मिलने वाली है। जब आप इसे टच करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, तो काफी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पर उसकी होने वाली है। आगे हम आगे बढ़ते हैं और इसके थर्ड एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो वो निकल गया था इसका प्रोसेसर। यहाँ पर यूज किया हुआ है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के 730G का, 730G का यहाँ पर यूज किया हुआ है, यानी गेमिंग प्रोसेसर है, तो काफी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पबजी खेल सकते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स में, या फिर कुछ और भी खेल सकते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स में, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखिए। उसके बाद बात करें किसके साथ में, परफॉर्मेंस के साथ में, तो वो निकल के आती है इसकी रैम। इसके रैम जो वेरिएंट है वो काफी मुझे पसंद आया, 6 GB के दो रैम वेरिएंट है और एक 8 GB का, तो 6 GB से यहाँ से चालू होता है, तो यानी परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो एक चीज तो ये है। आगे बात करें तो इसकी चार्जिंग और बैटरी कैपेसिटी काफी अच्छी है, बैटरी कैपेसिटी इसकी 4500 mAh, तो वो अपने आप में काफी अच्छी है। चार्जिंग की बात करें, 27 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी ही कम फोन्स में देखने को मिलती है, जो भी अपने आप में काफी अच्छी बात है। 27 वॉट की फास्ट चार्जिंग का मतलब आपका फोन कुछ ही देर में चार्ज हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है या फिर ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ एडिशनल है इसमें कि 3.5 mm का हेडफोन जेक आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप चार्ज में लगा के फोन से गाने भी सुन सकते हैं अपने ईयरफोन को कनेक्ट करके। तो ये चीज यहाँ पर है जो कि काफी ज्यादा लुप्त होने लगी थी, काफी ज्यादा गायब होने लगी थी, जो कि अब वापस धीरे धीरे आ रही है, लेकिन कुछ कभी कुछ फोन में, अभी सैमसंग के फोन इस चीज को दे रहे हैं और शाओमी के कुछ एक फोन यहाँ पर इस चीज को प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि पोको X2 ने कराया। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर यूज हो रहा है कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5, यानी कि एक बार अगर आपसे फोन गिर भी गया तो इतनी आसानी से टूटने वाला है नहीं, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया दिया जाता है कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, आप इससे किसी का सर भी फोड़ सकते हैं, मत फोड़ना। यहाँ पर आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, यानी इसकी कॉन्स की। तो पहली चीज के बारे में बात करते हैं जो है इसकी फर्स्ट कॉपी, ये फर्स्ट कॉपी है रेडमी K30 का।
K30 जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसका फर्स्ट कॉपी इन्होंने निकाल दिया है, और अगर आपको फर्स्ट कॉपी से एलर्जी है तो आप इस फोन को ना लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर आपने K30 देखा है, आपको K30 पसंद नहीं आया तो आपको ये फोन में पसंद नहीं आना चाहिए। आप पोको के नाम के पीछे भागिए, स्पेसिफिकेशंस देखिए, अपना यूजेज देखिए, अपने रिक्वायरमेंट देखिए, उसके बाद ही फोन चूज कीजिएगा। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आती है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो वो आता है इसका यूजर इंटरफेस यानी इसके UI। जो MIUI 11 यहाँ पर यूज किया हुआ है वो काफी ज्यादा बकवास लगता है मेरे को, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बकवास लगता है, क्योंकि यहाँ पर आते हैं काफी सारे एड्स जिनसे काफी लोग परेशान हो चुके हैं और अभी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फोन सस्ते हैं तो लोग इन्हीं की तरफ ज्यादा जाते हैं। भले ही लोग एड्स देखना पसंद करते हैं लेकिन मैं एड्स देखना प्रीफर नहीं करता, तो यहाँ पर ये MIUI एड्स का लोचा निकल के आता है। अगली बात करें तो यहाँ पर निकल के आती है मेन डिसएडवांटेज जो है इसकी डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है 20:9 के साथ में, लेकिन यहाँ पर आपको एक पंचोल भी देखने को मिलता है डुअल सेल्फी कैमरा क्योंकि इसमें है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलती है IPS LCD पैनल। तो IPS LCD पैनल आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि AMOLED डिस्प्ले में ही वो फिंगरप्रिंट होता है। तो यहाँ पर इस फोन की कीमत 1000-1500 रुपए ज्यादा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर अगर हमें AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती तो काफी ज्यादा शानदार ये फोन जमता और यहाँ पर यूज भी होता पोको के नाम का। तो ये चीज एक देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो LCD पैनल है उसमें जो प्रॉब्लम ये है कि वहां पर कलर्स इतने अच्छे नहीं है, अननेचुरल कलर लगते हैं, मतलब जो नेचुरल फोटो आती है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो कैमरा कितना भी शानदार हो लेकिन वो फोटो जहाँ पर अननेचुरल आएगी तो आपको कलर्स भी अननेचुरल दिखेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर IPS LCD पैनल का यूज किया हुआ है तो उसमें कलर्स इतने ढंग के नहीं दिखते। नेक्स्ट चीज की बात करते तो वो आता है यहाँ का फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट यहाँ पर पावर बटन पर दिया हुआ है तो फिंगरप्रिंट को दबाने में कुछ दिक्कत हो सकती है आपको, कभी कभी फिंगरप्रिंट काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर आसपास अगर आपके अंगूठे को अड़ गया तो फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, भले ही अंगूठे का फिंगरप्रिंट आपने लगाया है क्योंकि वहां पर जगह थोड़ी सी है, तो ये चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो वो आती है इसकी स्टोरेज की स्पीड। स्टोरेज की स्पीड यहाँ पर तीन वेरिएंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया 64 GB का, 128 GB का और 256 GB का। तीन स्टोरेज वेरिएंट है, लेकिन जो इन तीनों की स्पीड है वो है UFS 2.1 बेस्ड, यानी कि अभी भी थोड़ी स्पीड कम है। UFS 3 होती तो बात मानी जा सकती थी, लेकिन UFS 3.1 है तो काम चला सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो वो आता है सिम स्लॉट, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। इसका मतलब या तो आप इसमें एक माइक्रो SD कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं या फिर सिर्फ आप इसमें 2 सिम लगा सकते हैं, तो ये चीज के बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा लेने से पहले। तो ये इसके कौन से निकल के आते हैं डिसएडवांटेजेस निकल के आते हैं। तो अब आपको देखना कि आपको फोन लेना है या नहीं लेना। तो रुको रुको, अभी मेन चीज के बारे में हमने बात नहीं की है, वो इसका कैमरा। तो कैमरा को यहाँ पर मैं नहीं मानता इस फोन में, क्योंकि यहाँ पर कैमरा मीडियम है, सोनी के IMX सेंसर का यूज किया हुआ है, पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आने वाली है, लेकिन जब इस फोन के डिस्प्ले के कलर सही नहीं है तो कैमरा का फोटो खींचकर कुछ मतलब निकलता नहीं है इतना। कैमरा की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्वाड रियर कैमरा का यहाँ पर यूज किया हुआ है, 64 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा यहाँ पर यूज किया हुआ है, एफ अपर्चर 1.9 के साथ में, जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ में आता है। उसके बाद बात करें तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज किया हुआ है एफ 2.2 अपर्चर के साथ में। थर्ड कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज किया हुआ है एफ 2.4 अपर्चर के साथ में। और जो फोर्थ कैमरा है वो यहाँ पर मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का एफ 2.4 अपर्चर के साथ में। तो ये 4 कैमरा यहाँ पर निकल के आते हैं और LED फ्लैश तो वहां पर है ही। और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें कैमरा से तो 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हैं। आराम से आप इसमें शादी के फोटोज खींच सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं, किसी फंक्शन के वीडियोज बना सकते हैं या फिर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे वाले कैमरा की यानी फ्रंट फेसिंग कैमरा की। जो 2 कैमरा निकल के आते हैं यहाँ पर सेल्फी कैमरा 20+2 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन के साथ में, 20 मेगापिक्सल का स्टैंडर्ड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा निकल के आता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो ये 2 चीजें यहाँ पर निकल के आती है आगे के लिए। अब बात करते हैं कुछ और, तो कुछ और यहाँ पर बचा कुछ नहीं है, बस यही था। और यहाँ पर प्राइस मैंने आपको बता दी 15999 फर्स्ट मॉडल के लिए 6GB+64GB के लिए, 16999 6GB+128GB के लिए और 19999 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 256GB रैम वेरिएंट के लिए +8GB रैम वेरिएंट के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा, आपकी एक्साइटमेंट कैसी हुई, आप ये फोन लेंगे या नहीं लेंगे। अगर मेरी बात करूं, ओपिनियन की बात करूं, तो मैं ये फोन कंसीडर नहीं करता क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सबसे पहले होते हैं कैमरा जो इस फोन का बढ़िया है, सेकंड चीज मैं देखता हूँ डिस्प्ले
जो इस फोन की मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली, भले ही 120 हर्ट्ज की यहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करा दी जाती है, लेकिन जो एलसीडी पैनल है वो मुझे खास पसंद नहीं आया। नेक्स्ट चीज में देखता हूँ बैटरी, जो काफी अच्छी है और प्रोसेसर तो इसका अच्छा है ही, तो ये चीजें मेरे रिक्वायरमेंट्स में फुल प्रूफ नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन अगर आप डिस्प्ले से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या फिर आप माइक्रो एसडी कार्ड से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आप इस कैमरा की तरफ जा सकते हैं, इस फोन की तरफ आप जा सकते हैं, और अगर आप एड्स भी देखना चाहते हैं तो भी आप इस फोन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप एड्स, डिस्प्ले और यहाँ पर माइक्रो एसडी कार्ड की कुर्बानी दे सकते हैं तो आप आंख बंद करके इस फोन को ले सकते हैं। अभी जाइए दुकानदार के पास, उसे 16,000 रुपए दीजिए, 1 रुपया वापस वो आपको देगा नहीं, ये तो गारंटी है। तो यहाँ पर ये चीज का आप ध्यान में रखिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वेब प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आगे वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आए इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। सो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।